हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। देखो, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। अगर इस खुदगर्ज, सेल्फिश और स्वार्थ से खचा खच भरी दुनिया में सेफ रहना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अपनी और अपने परिवार की जरा सा भी परवाह है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्री में आपको कोई नहीं देगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, तो इसलिए मैं आपको फ्री में ये सब बता रहा हूँ आपके भले के लिए। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बेस्ट और डेली रिक्वायर बेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, जो आप डेली यूज़ करते हैं तो उनमें से कौन से बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, लेकिन सबसे पहले इंट्रो लगा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते। तो देखो, ये पार्ट टू वीडियो है। अगर पार्ट वन यानी कि इंडियन प्रोडक्ट्स वर्सेस फॉरेन प्रोडक्ट्स, ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे और लास्ट में एंड क्रेडिट में मिल जाएगा, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना। ऐसा कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, इससे ही रिलेटेड है, तो देख लेना। ठीक है, अब ना पार्ट वन वीडियो में मैंने बोला था कि अगर पार्ट वन वीडियो का दूसरा पार्ट यानी कि ये वीडियो चाहिए तो आपको 10 कमेंट करने होंगे, हमको बेस्ट मांगता है यानी कि HBMH। ठीक है, ये कमेंट करने को बोला था, तो आप लोगों ने 10 कमेंट कर दिए तो फिर ये वीडियो हाजिर है आप सबके लिए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो आपके लिए बेस्ट है और आपको यूज करने चाहिए, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनसे आपको कोसों दूर रहना चाहिए और वो आपके लिए एकदम हानिकारक है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो एक बात कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए हर प्रोडक्ट का एक रेफरेंस वीडियो यानी कि हर वीडियो का एक प्रूफ, जो कि मैं बेस्ट बोल रहा हूँ तो क्यों बेस्ट बोल रहा हूँ और क्यों नहीं बेस्ट बोल रहा हूँ, तो उसका प्रूफ के लिए हर प्रोडक्ट के मैंने मतलब जितने प्रोडक्ट बताने वाला हूँ उन सब प्रोडक्ट का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, जो एंड क्रेडिट में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो और देख ही लेना भाई, वहाँ पर डिटेल में सब कुछ बताया गया है कि कौन से प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदने चाहिए, क्यों ऐसा है, कैसे है और कौन से क्यों बेस्ट है, तो वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनमें देख लेना। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि कौन से आपको यूज करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से आपके लिए बेस्ट है और कौन से आपके लिए बकवास। तो ठीक है, एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एक डिस्क्लेमर भी है कि मैं ना तो किसी प्रोडक्ट या कंपनी के साथ हूँ और मैं ना तो किसी प्रोडक्ट या कंपनी के खिलाफ हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जो भी यूज करो, जो जिसमें भी आप जिस भी प्रोडक्ट पे पैसे डालो वो सिर्फ बेस्ट रहे और वो आपको मतलब पैसे बर्बाद ना हो। ठीक है, वरना मतलब आप जो लिस्ट देखने वाले हो ना आगे, उसको देख के आप मर जाओगे कि कितने पैसे कहाँ पे डाल दिए। ठीक है, तो अब चलते हैं फाइनली मुद्दे की तरफ। तो सबसे पहले कुछ ऐसे टूथपेस्ट जिनसे आपको दूर रहना है और जिनका आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक है, उनको दूर फेंक दो, अभी भी घर में है तो फेंक दो और दूसरा लेके आओ जो बताने वाला हूँ। तो ऐसे कुछ कोलगेट है जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, तो वो कौन से है वो स्क्रीन पे देखो। कोलगेट, पेप्सोडंट, क्लोजअप, सेंसोडाइन, दंतक्रांति, हिमालया, मिसवाक, बबुल, डाबर रेड, लीवर आयुष वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है ना, लेकिन यही सच है और आगे आने वाले प्रोडक्ट का भी यही हाल है। ठीक है, अब कौन से ऐसे टूथपेस्ट है जिनको आप यूज कर सकते हो और जिनको आपको यूज करना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो वो कौन से है वो स्किन पे देखो। विको, जो कि विको वज्रदंती है वो, उसके बाद है बेंटोडेंट। ठीक है, उसके बाद आता है बायोमेड, उसके बाद आता है बायोटिक, दंत क्रांति दंत मंजन को यूज कर सकते हैं आप, डाबर लाल दंत मंजन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे सुपर है नेचर, अब उसमें आपको पता होगा क्या आता है क्या नहीं आता है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये सबको बेस्ट और बकवास क्यों बोल रहा हूँ, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाके देखो, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद एंड क्रेडिट में मिल जाएगा, सिर्फ आपको टच करना है प्लेलिस्ट वाला। ठीक है, उनमें आपको एकदम परफेक्टली बताया गया कि क्यों यूज नहीं करना है, क्यों यूज करना है, और ये सब इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट है ना, जो मतलब हमको सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट है उनको क्यों यूज नहीं करना है, और ये जो दूसरे मैंने बताए ये कभी आपको नाम भी नहीं सुने होंगे तो उनका यूज क्यों करना है वो भी उनमें बताया गया है, तो उनको देखो। मैंने एक्चुअली उनसे इंस्पायर होकर ये वीडियो बनाया, लेकिन मैंने सिर्फ को कवर करके एक ही वीडियो बना दिया, उन्होंने अलग अलग वीडियो बनाया। ठीक है, तो प्ले लिस्ट जाके देखो, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखो वरना पता नहीं चलेगा। अब ना इनमें कौन से ऐसे हेयर ऑयल है जिनको आपको यूज नहीं करना है, जिनसे आपको दूर रहना है, वो स्क्रीन पर देखो। ठीक है, बजाज आमंड ऑयल, क्लिनिक प्लस, डाबर आमला, डाबर आमंड ऑयल, पतंजलि आमंड ऑयल, नवरत्न,
वाटिका और बहुत सारे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से बेस्ट है, ठीक है, कौन से आपको यूज़ करने हैं, कौन से हेयर ऑयल और कौन से बेस्ट है, तो वो भी स्क्रीन पर देखो, ठीक है। पतंजलि नारियल तेल, डाबर अनमोल गोल्ड, पैराशूट नारियल तेल, डाबर बादाम तेल, ठीक है, ये सब है। प्रूफ के लिए प्लेलिस्ट चेक करो, ऐसे ही मेरे को गाली मत दो, मैं इन सबको ना क्यों बोल रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट चेक करो, ठीक है। उनको देखने के बाद आपका दिल ना ऐसे बाहर आ जाएगा, मतलब ठीक है, चलो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अगर ये सब सुन के आपको मेरे पे थोड़ा सा विश्वास आया तो आप लोग सोच रहे होगे कि ये लोग ऐसा कस्टमर के साथ कैसा कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब ठीक है, तो उनका आंसर सुनो। देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिये उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो, कस्टमर तो चूतिया है, है? क्योंकि वो सिर्फ आगे देखता है, पीछे नहीं देखता, ठीक है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखता है, वो पीछे इंग्रीडियंट नहीं देखता, ठीक है, इसलिए कस्टमर चूतिया है, सही बोला उन्होंने, ठीक है। अब ना, कौन से ऐसे साबुन है, कौन से ऐसे नहाने के साबुन है जिनको आपको यूज नहीं करना है, जिनसे आपको दूर रहना है, ठीक है, तो वो देखो स्क्रीन पर। सिंथॉल, पेयर्स, हिमालया, लिरिल, डेटॉल, पतंजलि नीम और स्क्रीन पर दिखने वाले सारे के सारे, ऐसा लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये सब के सब एक जहर से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे लिए। अब कौन से ऐसे साबुन है जिनको आपको यूज़ करना है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, वो स्क्रीन पर देखो। पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी वाला, नीम चारकोल सॉप, एंशेंट लिविंग जिनमें आता है मुल्तानी मिट्टी और दो और इंग्रीडियंट है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब कौन से ऐसे शैम्पू है जिनको आपको यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल दूर रहना है, वो स्किन पर देखो। गार्नियर, ट्रेसमे, हेड एंड शोल्डर, लोरियल, पेंटीन, डव, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, हिमालया, वाटिका, नाइल, केसकिंग, लिवर आयुष, बायोटिक, पतंजलि का केस क्रांति, ठीक है। इनको देख के आपको ये लगेगा कि क्या एडवर्टाइजमेंट देते हैं, क्या बाल बनते हैं, वाह ये तो मैं चूतिया हूँ जो आपको ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। प्लेलिस्ट जाके देखो, आपकी आंखें बाहर निकल आएगी, ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाके चेक करो, लेकिन अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद। अब कौन से शैम्पू है जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जिनको आप यूज़ करना चाहिए एक्चुअली, तो वो है स्क्रीन पर देखो। हविंथा, मार्गो हर्बल हेयर वॉश, मुक्ति गोल्ड, अर्थी सेपो वगैरह वगैरह। आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने जो प्रोडक्ट यूज करने को बोला उनका नाम तो कभी सुना ही नहीं, ये कहाँ से लाया बे। जब तक टट्टी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट इतनी जोरों शोरों से की जाती है, तो फिर ये सब प्रोडक्ट ना नीचे ही रहने वाले, ठीक है, क्योंकि उनकी तरफ कोई दिखता ही नहीं, नेचुरल है, लेकिन एक्टर्स को भी पैसे ज़्यादा मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, और इनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए ही ये टट्टी से टट्टी प्रोडक्ट भी, मैं मतलब हम लोग वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, ऐसे स्टाइल से यूज़ करते हैं। मुझे पता कि ये वीडियो देख के सब कोई भूल जाने वाला है, ठीक है, कोई यूज़ करने वाला नहीं है, लेकिन अगर एक दो का भी दिमाग फिर गया और यूज़ कर सकते हैं तो फिर ठीक है, ये वीडियो उनके लिए ही है, एक दो लोगों के लिए, बाकी सब तो चूतिया है। ब्रांड को मत देखो, इंग्रेडिएंट चेक करो, ठीक है। कौन से ऐसे कुकिंग ऑयल्स है जो बकवास है, ठीक है, जो खाने में हम ऑयल्स का यूज़ करते हैं ना, तेल, हाँ तो बस वही, तो कौन से ऐसे मतलब कुकिंग ऑयल है जो बकवास है, जिसको आपको यूज़ करना ही नहीं है भाई, मतलब, तो वो स्क्रीन पर देखो, नहीं स्क्रीन पर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं सामने बोल देता हूँ, ठीक है। जिन जिन तेल की डब्बियों पर यह लिखा है रिफाइंड ऑयल, उनसे मतलब 50-50 कोस दूर रहो, ठीक है। इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को इतना रिफाइंड किया जाता है, इतना रिफाइंड किया जाता है कि उनमें हमारे लिए कुछ बचता नहीं है, बस एक तेली प्रवाही के सिवा, ठीक है। अब इतनी प्रोसेस से निकलता है वो रिफाइंड किया, मतलब तो सोचो कि इतनी प्रोसेस से निकलता है कि मतलब उसमें हमारे लिए कुछ नहीं बचता, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कौन से यूज़ करने चाहिए, कौन से ऐसे तेल है जिनको हमको यूज़ करना चाहिए, कौन से मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो देखो स्क्रीन पर नहीं, मेरे मुँह की तरफ। कौन से ऐसे तेल यूज़ कर सकते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो कच्चे घानी वाला, यानी कि मतलब तिल का तेल, राई का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, अरंडी का तेल, मतलब बहुत सारे तेल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे
कच्ची घानी है जहाँ पे गाची लोग रहते हैं, कौन निकालते हैं तेल जहाँ पे गाची लोग रहते हैं वहां से जाके ले जाओ, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब ना कौन से ऐसे फेस वॉश है जिनको आपको यूज नहीं करना है, वैसे इसको यूज करना है ही नहीं, लेकिन अगर आपको चूल मची है और आपको आदत लग चुकी है और आपको यूज करना ही है तो वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है यूज नहीं करने है? तो वो है टीवी में आने वाले सबके सब प्रोडक्ट नहीं यूज करने। अब उसके एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, तो उनके लिए चलते हैं स्क्रीन पर। गार्नियर मैन, पतंजलि, हिमालया, क्लीन एंड क्लियर, एवर यूथ, फेयर एंड हैंडसम, लैक्मे, पेयर्स, निविया, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली और बहुत सारे ऐसे जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो वो देखो वापिस से स्क्रीन। उनमें आता है बीएसडी ऑर्गेनिक्स, नीम बेजिल, ईसा लाइफ, सिरोना और पवित्रा। ठीक है, हाँ मुझे पता है आप लोगों ने सबका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये सब एडवर्टाइजमेंट नहीं आती इन सब की तो हमें पता नहीं चलता, और इसलिए मतलब समझ रहे हो ना, झूठ सच पे भारी पड़ता है। तो यही है, कौन से ऐसे हेयर कंडीशनर है, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन कौन से ऐसे हेयर कंडीशनर है जिनको आप यूज नहीं करना है, तो वो भी है टीवी में आने वाले सबके सब, लेकिन फिर भी बता देता हूँ स्क्रीन पर देखो। डव, पेंटिन, ट्रेस्मे, सनसिल्क, लोरियल, हेयर एंड शोल्डर, लिवर आयुष, बायोटिक, पतंजलि। हाँ, इनमें पतंजलि भी शामिल है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। कौन से यूज करने हैं तो उसके लिए सबके सब बता देता हूँ स्क्रीन पर देखो। ओम वेद और चाको, ये एक्चुअली मैं जो भी बता रहा हूँ वो इंडियन कंपनियाँ हैं, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट नहीं आती इनके लिए पता नहीं चलता हमको, लेकिन ये बेस्ट है और इसकी गारंटी वीडियो में दी गई है, तो जाके देखो वीडियो खत्म होने के बाद। अगर आपको सुगंध मारने की बहुत इच्छा होती है और आप बहुत सारे डीओस का यूज करते हैं, यानी कि क्या चल रहा है, तो फॉग और वाइल्ड स्टोन लोग तो नोटिस करेंगे, तो भाई ये सब की बात है, तो भाई कौन से ऐसे यूज नहीं करने, वो देखो स्क्रीन पर। फॉग, एंगेज, निविया, पार्क एवेन्यू, एक्स, कामासूत्रा, वाइल्ड स्टोन, ही, एडिडास, सिंथोल। तो आप लोग बोलेंगे कि कौन से यूज करने, ठीक है, तो उनके लिए भी स्क्रीन पर देखो। तो उनके लिए है कोकोनस, केवमैन और अरोहा। अब ये तीन ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने मतलब सब यही बताया और मुझे इतना ही पता है। ठीक है, एक्चुअली आपको यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये यूज करो, ये यूज करो, ये नहीं यूज करो, ये नहीं यूज करो, ठीक है, लेकिन इंग्रेडिएंट देखो, लेकिन हम एक्सपर्ट नहीं है, हमको पता नहीं चलता कि कौन से इंग्रेडिएंट हमारे लिए लाभदायी है, कौन से हमारे लिए नुकसानकारक, तो हमको ये पता नहीं चलता। ठीक है, तो अगर टाइम मिले तो वो वीडियो को देख लो, तो पता चल जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि बस किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांड मत देखो, उनकी एडवर्टाइजमेंट में मत जाओ, क्योंकि वो सब चुतिया बनाने के लिए होता है और कुछ नहीं, तो उनके इंग्रेडिएंट है वो उनके पीछे लिखे होते हैं, तो आगे मत देखो, पीछे देखो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आप ये देखते हो ये, लेकिन ये नहीं देखते ये, समझे तो समझ गए कि मतलब समझ गए ना, पीछे देखो, पीछे, ठीक है, पीछे तो देखो, क्योंकि पीछे सब कुछ होता है, तो सब कुछ पीछे लिखा होता है, तो मतलब इंग्रेडिएंट को देखो। लास्ट में अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, एम नहीं करता हूँ, लेकिन मार देना पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक मारो, ठीक है, मार देना। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछो, कमेंट बॉक्स खुला है तो पूछ सकते हो, ठीक है, और यही इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबके फ्रेंड के लिए और आपके रिलेटिव्स के लिए शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि क्या खराब है और क्या अच्छा है। ठीक है, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और रोस्टिंग वाली वीडियो भी आती रहती है इस चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब मारो, साथ में घंटी दबा देना। तो चलो फाइनली मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बाय। आज कोई बिहाइंड द सीन नहीं है, अब आ ही गए हो तो एक बार सुन लो कि प्लेलिस्ट चेक करके जाना, अभी आने वाली है जरिए थोड़ी देर में, ठीक है, और इंडियन प्रोडक्ट वर्सेज फॉरन प्रोडक्ट पार्ट वन वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उनको देख लेना, ठीक है चलो बाय बाय, बाय बाय कर दो। Cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart if you let it be smart, yeah. Cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart if you let it be smart, yeah.